मुजफ्फरनगर के कस्बा खतौली में योगी आदित्यनाथ का हुआ जोरदार स्वागत। मुजफ्फरनगर के कस्बा खतौली में जीटी रोड पर स्थित नवीन मंडी में आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जोरदार स्वागत किया गया। आसपास के गांव से आए सभी व्यक्तियों ने हिस्सा लिया और मोदी योगी के जोरदार नारे लगाए। योगी आदित्यनाथ ने 10 तारीख को होने वाले आगामी चुनाव के लिए जनता से वोट देने की अपील की और कहा कि कमल के फूल का बटन दबाकर भावी प्रत्याशी विक्रम सैनी को विजय बनाएं और अपना वोट पूरे जोश और उत्साह के साथ करें। व्यापारी को लूटते थे, कमल की वादियों को तो गली में तख्ती लटका करके सरकार ने पूरा कर दिया है ना। और अब हम लोग डिफेंस कॉरिडोर बना रहे हैं। डिफेंस कॉरिडोर का मतलब यहाँ पर तो कमेटी और यहाँ का नौजवान जो उसको पर बैठ करके पाकिस्तान की सीमा में घर बनाएगा तो पाकिस्तान के ही नहीं पाकिस्तान दोस्तियों के लिए छक्के छोड़ेंगे। आज मैं आपके पास आया हूँ। देखिए विक्रम सैनी ने आपके संकट में रहकर के आपका सहयोग किया। कोरोना का मैंने देखता था, कोरोना में सेवा करते करते स्वयं बीमार हो गए। डॉक्टर मना कर रहे हैं, इन्होंने कहा कि जनता अगर हमारी कोरोना से परेशान होगी ये विक्रम आराम नहीं कर सकता है। इसीलिए पार्टी ने तय किया है कमाल के पवार को शांत करने के लिए यही आए थे। उस समय संकट जाना स्वीकार किया लेकिन आपके सम्मान के साथ समझौता नहीं होने दिया। सम्मान के साथ समझौता नहीं होने दिया। कोरोना कालखंड में सेवा करते रहे। आज गुमराह करने के लिए तमाम लोग आएंगे। सुरक्षा और विकास हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। ये काम तो हम लोग करवाएंगे। आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं। आज जो चुनाव आ चुके हैं ये प्रतिष्ठा का प्रश्न बन चुका है सबके लिए। ये प्रतिष्ठा का प्रश्न हमारे लिए इस बात को लेकर के हमारी बेटियां, हमारे व्यापारी, हमारी माताएं सुरक्षित रहे और फिर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश कर्फ्यू के जंगों में न फंस ले पाए, इसके लिए एक और भारतीय जनता पार्टी लड़ाई में आपके लिए खड़ी हुई है। और दूसरी तरफ पेशे और कर्मचारियों के साथ अपराधियों के साथ खड़े होकर के सपा, लोकदल, बसपा, कांग्रेस लगातार चिढ़ाने का कार्य कर रही है। मैं आप सबका आह्वान करूंगा। मुजफ्फरनगर जनपद से हम लोगों ने खतौली से श्री विक्रम सैनी को, बुढ़ाना से श्री उमेश मणि को, चरखावत से श्रीमती स्वप्ना कश्यप को, फुरकाती से श्री प्रमोद गोपाल वाल्मीकि को, मीरापुर से श्री प्रशांत गुर्जर को और मुजफ्फरनगर सदर से श्री कपिल देव अग्रवाल को अपना प्रत्याशी बना करके आपके बीच में उतारा। भाइयों बहनों मेरी आप सबसे अपील है, अपील इस बात की एक तरफ भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार एक हाथ में विकास घोषित कर दंगाई और माफियाओं के ऊपर बुलडोजर चलाने का काम भी करेगी। कहते थे ना ये भाजपा वैक्सीन है।